नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर तनाव लगातार बना हुआ है। तनाव भी इतनी ज्यादा है कि कभी भी दोनों देशों के बीच जंग की नौबत आ सकती है। इसी को देखते हुए अब चीन को आर्थिक तौर पर भारत झटका देने में लगा हुआ है। चाइनीज ऐप से लेकर कई परियोजनाओं पर बैन इसी कड़ी में शामिल है। लेकिन एक तरफ ऐप पर बैन तो दूसरी तरफ भारत उस बैंक से लोन ले रहा है जो बीजिंग में स्थित है और उस पर चीन की हिस्सेदारी ज्यादा है, या यूं कहे चीन का उस बैंक पर कंट्रोल है। जी हाँ, इस बैंक का नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दरअसल भारत ने इस बैंक से करीब दो बार में 9202 करोड़ रुपए लोन ले चुका है और यह लोन तब लिया गया जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बरकरार था। अब आपको बताते हैं कि भारत ने AIIB से लोन लिया कब। पहले 8 मई को भारत ने इस बैंक से 50 करोड़ डॉलर का लोन लिया। यह लोन तब लिया गया जब बॉर्डर पर चीन की हरकतों के बारे में भारत को पता चला। इसी तरह भारत ने दूसरी बार 750 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया जब सीमा पर दोनों देशों के सेनाओं के बीच झड़प में हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए थे। यह घटना 15 जून को हुई थी, जबकि AIIB से भारत ने 19 जून को लोन लिया। हालांकि लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस बैंक में भारत भी हिस्सेदार है, लिहाजा लोन लेने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। सिर्फ सवाल यह है कि एक तरफ ऐप पर बैन करके चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाने का दावा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजिंग स्थित बैंक से ही भारत लोन भी ले रहा है। कि यह अलग बात है कि यह लोन भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए दिया गया है, जिसका उद्देश्य कमजोर तबके को सहायता देना और कारोबारियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना है। साथ ही इसका मकसद सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को भी मजबूती देना और हेल्थ केयर में सुधार करना है। इस लोन की पुष्टि सरकार ने भी की है। लोकसभा में बीजेपी के दो सांसद सुनील कुमार सिंह और पीपी चौधरी ने इससे संबंधित सवाल पूछे थे, जिसका जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि AIIB ने भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हेल्थ सिस्टम को सुधारने और कोरोना के खिलाफ मजबूती से तैयारी करने के लिए यह लोन स्वीकृत किया है, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।